मौज मस्तियों का दी एंड। स्कूलों की अढ़ाई माह बाद मौसम गर्मा की तातीलात अख्ताम पसीर, कल से पंजाब के स्कूल्स खुल जाएंगे। ईद छुट्टियों के बाद कारोबारी सरगर्मियां भी कल से बहाल होंगी। इसी की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हाफिज नदीम बलोच से। हाफिज नदीम बलोच बताइए, मौज मस्ती हल्ला गुल्ला बच्चों के लिए खत्म, स्कूल खुल जाएंगे कल से? जी बिल्कुल, अढ़ाई माह से जारी मौसम गर्मा की तातीलात अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि कल से ही तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। बच्चों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कल से कॉपियां, किताबें और बैग्स की तैयारियां मुकम्मल तौर पर मुकम्मल की जाएंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुबह से ही अपने स्कूलों को रवाना होंगे, क्योंकि कल से स्कूल जो हैं वो पंजाब भर के खुलेंगे। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी तमाम स्कूलों के जो सरबराहान हैं उनको हिदायत जारी की गई है कि स्कूल में सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो बेहतर किए जाएँ, क्योंकि कल से तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। और बच्चों के साथ साथ वालदैन की मस्ती जो है उनकी वो भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो भी अब उनका भी आगाज़ कल से हो जाएगा। कोई भी मार्केट हो, माल रोड हो, हाल रोड हो, इशरा बाज़ार हो या लिबर्टी मार्केट हो, कल से मार्केटें भी अपने वक्त पर जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगी। तो बच्चे जो हैं वो अब अपने स्कूलों में जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए और वालदैन की जानिब से जो है वो कारोबारी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ बच्चों ने भी मना ली और वालदैन ने भी ईद की छुट्टियाँ बच्चों के साथ इंजॉय कर ली। लेकिन अब तमाम स्कूल्स खुल जाएंगे। हाफिज नदीम बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।